और भारत में कोरोना के नए वायरस मिलने से चिंता बढ़ी। अमेरिका के कोलोराडो में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया है। इस बीच खबर है कि सरकार ब्रिटेन के लिए हवाई उड़ान पर लगी रोक को 31 दिसंबर से आगे भी बढ़ा सकती है। कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वायरस वर्सेस वैक्सीन। कोरोना के नए वायरस ने अब भारत में लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से लौटे 7 भारतीयों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ब्रिटेन से लौटी आंध्र प्रदेश की एक महिला में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। आंध्र प्रदेश के अलावा 2 हैदराबाद, 1 पुणे, 1 मेरठ में नए केस मिले हैं, जबकि कर्नाटक के बेंगलुरु से नए वायरस से 3 संक्रमित केस मिले हैं। लंदन से यूपी के मेरठ पहुंचे एक परिवार के 4 लोगों में कोरोना के नए वायरस मिलने की खबर से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि इसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल हैं। बाद में माता पिता के साथ एक दूसरी महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बच्ची के ताई और ताऊ के सैंपल भी दिल्ली भेजे गए हैं। ब्रिटेन से निकले कोरोना का नया वायरस अब भारत समेत दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। नए वायरस पर वैक्सीन के असर को लेकर केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी काम करेगी। किसी तरह की चिंता या डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। भारत में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का काम जल्द से शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन सफलतापूर्वक किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्य में ड्राई रन किया गया उनमें असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की सलाह दी है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दादाजी भुसे को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पूरे ब्रिटेन में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस के ज्यादा खतरनाक 2 वेरिएंट मिल चुके हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। यहाँ वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर किया जा रहा है। दुनिया भर को कोरोना देने वाले चीन में कोरोना संक्रमितों को लेकर नया खुलासा हुआ है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि वुहान में 5,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। पिछले सरकारी हेल्थ कमीशन ने ये आंकड़ा सिर्फ 50,000 बताए थे। वुहान में ही सबसे पहले दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर रूस का झूठ अब दुनिया के सामने आ गया है। रूस के ही सरकारी एजेंसी ने अब माना है कि देश में बताए गए आंकड़े से 3 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नए सरकारी आंकड़े के मुताबिक रूस में 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौत के मामले में रूस अब तीसरे नंबर पर है। कोरोना संकट की वजह से मुंबई के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। बीएमसी ने कहा कि उनके अधीन आने वाले स्कूल हालात ठीक होने तक बंद रहेंगे। मई के बाद कल मुंबई में कोरोना के सबसे कम 537 नए केस मिले हैं। इस बीच मुंबई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी ट्रेन आज से शुरू हो रही है। मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से ही ये ट्रेन बंद थी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।